प्रिय अखिलेश, मुझे पता है कि मेरे न रहने पर तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे होगे। अपनी बीमारी की वजह से तुम्हारा साथ तो मैं पिछले कई सालों से नहीं दे पा रहा था, लेकिन तुम्हें कमी महसूस नहीं हुई होगी। लेकिन अब जब मैं नहीं हूँ तो तुम्हें बहुत खाली खाली सा लग रहा होगा। होता है बेटा, पिता का साथ ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन अब भी तुम खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मेरे पीछे लाखों लोगों का एक परिवार है जो अब तुम्हारे पीछे है और तुम्हारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। मुझे तो कुछ विरासत में नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे लिए विरासत में मैं यह पूरा परिवार छोड़कर जा रहा हूँ, जिसमें लाखों लोग हैं जो 21वीं सदी में भी शोषित हैं, जिन्हें उनका हक नहीं मिलता। इसलिए अब इनके हक की लड़ाई तुम्हें लड़नी है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम्हें किस तरह की राजनीति करनी है, जो चल रही है, धर्म की राजनीति या मुद्दों की राजनीति, वंचितों और शोषितों की राजनीति। मैंने जो राजनीति की और जिन लोगों के लिए राजनीति की, उसके लिए मुझे मुल्ला, मुलायम, मौलाना और न जाने क्या क्या बोला गया। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने उन लोगों के मुद्दे उठाए जिनका नाम लेने से भी कई नेता डरते हैं कि कहीं बहुसंख्यक समाज का वोट न खिसक जाए। बहुसंख्यक समाज में रहकर भी अल्पसंख्यकों की राजनीति करना मुश्किल काम है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। अगर अल्पसंख्यक और पिछड़े लोग तुम्हें उम्मीद की नज़र से देखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा। धर्म की राजनीति करना बहुत आसान है और हम नेताओं के लिए फ़ायदेमंद भी, क्योंकि इसमें जल्दी सत्ता मिल जाती है और खुद का कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन इसमें खून बहता है जनता का, और वंचितों शोषितों की लड़ाई में पसीना बहाना पड़ता है। इसमें खून बहने की नौबत भी आती है तो ये भी आपका ही होगा। इन लोगों की राजनीति में बहुत मेहनत है, लेकिन रात को नींद भी अच्छी आती है। अब तुम जिम्मेदार हो और आज़ाद भी, इसलिए अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें किस तरह की राजनीति करनी है। बाकी मैं तो हमेशा ही यही चाहूँगा कि तुम मेरी अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाओ। और हाँ, खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा पिता।